हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत है मॉर्निंग से। तो आप सभी का स्वागत है यशवी कुमारी ब्लॉग्स में। एंड मैं सुबह सुबह बाहर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यशवी कुमारी ब्लॉग्स। एंड अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुबह के 11 बजे हैं। सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज ना थोड़ा सा मैं आराम से ही उठी थी। आराम से तो नहीं, मतलब 6 बजे उठी थी। और दिनों तो मैं 5 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं 6 बजे उठी। फिर मैंने सोचा सीधा नहा करके ही निकल जाती हूँ अब मैं। तो नहा धो करके फ्री हो गई थी। उसके बाद में मैंने खाना वाना बनाया, और खाना वाना का मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। एंड गाइज, आज ना मेरा है बर्थडे। तो बर्थडे का दिन वैसे तो बहुत स्पेशल मनाते हैं लोग, बहुत कुछ करते हैं, बट अभी मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि कल है दक्ष के पेपर, लास्ट पेपर है इसका। तो अभी तो ये पढ़ाई कर रहा है, हाथ धोकर के इसको भी, ये भी निमट गया है, खाना वगैरह इसने भी खा लिया है। वैसे आज मैंने खाने में बनाई है आलू बीन्स की सब्जी एंड चपाती, नॉर्मल सा खाना है। ऐसे मैंने कोई 4-5 चीज़ें नहीं बनाई, तो नॉर्मल खाना बनाया है। और आज बर्थडे वाला दिन है, तो देखते हैं कि आज क्या क्या मैं करती हूँ दिन भर में, और पूरा व्लॉग आपके साथ में शेयर करूंगी। जो भी होगा वो आप सबको व्लॉग में पता चल जाएगा। अभी तो हाल फिलहाल तो मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है। एंड मैं बता रही थी कि मेरी जो सिस्टर है उनकी कल तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो जस्ट मेरे घर के पास में एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर एडमिट कर लिया था उनको। क्योंकि वैसे हुआ ज़्यादा कुछ ऐसा सीरियस नहीं था, बस उनको क्या था कि लूज़ मोशन वगैरह हो गए थे, जो कि उल्टी वगैरह हुई थी, दस्त वगैरह हो गए थे, तो उस वजह से फिर ना ड्रिप वगैरह लगी। तो वो आई थी 12 बजे, लेकिन मुझे पता चला 2:30-3 बजे के लगभग। मुझे फ़ोन किया मेरे पापा मम्मी ने, तो फिर उन्होंने कहा हम तुम्हारे पास में ही हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि नीतू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो उसको एडमिट किया है। तो मैंने कहा चलो मैं आती हूँ। फिर मैं चली गई थी वहाँ पे, वहाँ पे जाकर के फिर मैं 1-1.5 घंटा वहाँ पर बैठी। उसके बाद में वापस मैं घर पे आ गई थी। मैंने खाना वाना बनाया, क्योंकि शाम हो गई थी, तो खाना वाना बना करके फिर मैं फ़ोन पे कंटिन्यू उसके साथ में ही थी कि भाई तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। तो फिर वो थोड़ी सी ठीक हो गई थी शाम को। फिर 9 बजे के बाद में फिर उसको डिस्चार्ज भी कर दिया था और घर चली गई थी वो। तो ऐसा ऐसा कल का दिन था, तो मैं बिल्कुल भी कल ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी गाइज। तो आज फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर ये ब्लॉग भी आधा अधूरा रह जाएगा। फिर एक दो तीन दिन का फिर वो ब्लॉग हो जाता है, तो मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ क्लिप देख करके कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ ब्लॉग को एडिट करने की, तो ऐसा भी हो जाता है। तो आज का ब्लॉग पूरा कंटिन्यू करना आप, देखते हैं आज शाम तक क्या ये ब्लॉग में आता है, आपको देखने को क्या क्या मिलता है, वो मुझे भी खुद को आइडिया नहीं है। और किस तरीके से मैं अपना बर्थडे को सेलिब्रेट करती हूँ वो भी आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। आज ना मेरे बालों की हालत आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं। अभी मैंने वॉश तो आज नहीं किए, क्योंकि सुबह सुबह ना गाइस आजकल हल्की हल्की सी सर्दी हो जाती है, तो फिर मैंने हल्का सा गुनगुना पानी किया। थोड़े दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, अगर मैं ठंडे पानी से, और इतना चिल्ड पानी आता है मेरे, तो अगर मैं उससे नहा लूँ ना तो बीमार हो जाऊँगी। तो इस वजह से हल्का सा गुनगुना पानी मैं कर लेती हूँ। और फिर ना अभी तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है, बाकी तो मैंने कुछ किया नहीं। आज तो आलस आलस सा भरा हुआ है, तो बस आगे का व्लॉग आप देखना क्या क्या मैं करके बताती हूँ। बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है आज, तो मुझे सच बताऊँ ना तो बहुत ही आलस भरा हुआ है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एनर्जी लेवल कम लगता है आपको। एंड कल तो मैंने ना गाइस कुछ भी नहीं खाया, खाना ही नहीं खाया था कल मैंने। कल तो पता नहीं मेरा मूड ही पता नहीं ऐसा हो रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एप्पल काट के खाया है, और एक मैंने पी है अदरक वाली, मतलब पानी में अदरक और हल्दी डाल के और थोड़ा सा काला नमक डाल के वो मैंने पिया है, जैसे सिप सिप करके, तो वो अच्छा लगता है मुझे। अदरक से थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील होता है। बस थोड़ा सा बाल सही करूँगी, अच्छे से रेडी होंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मार्केट जाऊँगी, कुछ लेके आऊँगी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो हे गाइस, मैं आपको मिल रही हूँ 4 बजे, मतलब शाम होने वाली है। और अभी फ़िलहाल तो मुझे मेरी मदर इन लॉ के लिए खाना बनाना है, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है जाने में, तो इस वजह से मैं उनके लिए खाना बना के जाऊँगी, ताकि मुझे पीछे से टेंशन भी नहीं होगी। क्योंकि वहाँ हम लोग जाएंगे 6 बजे, 6:30 बजे निकल जाएंगे, तो अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ।
तो बस अभी मैंने ना बैंगल का सेट बना लिया है, ड्रेस अभी निकालने वाली हूँ मैं, आज पहनने वाली हूँ पोशाक, अच्छे से बीनड़ी बन के जाऊँगी मैं तो आप लोगों को भी काफ़ी टाइम बाद में दिखाई दूंगी राजपूती ड्रेस में। वैसे ड्रेस आपने काफ़ी बार देखी हुई है तो वही वाली ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि मेरे पास नई ड्रेस भी थी बट अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध में नया कुछ भी नहीं पहनते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ना वो ड्रेस पहनना कैंसिल कर दिया, तो वो मैं पहनूंगी नवरात्रे में, तो इस वजह से ना मैं पुरानी वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो अभी फिलहाल तो मैंने पी है कॉफ़ी, एंड कॉफ़ी पीने के बाद मैं अब मेरी मदर इन लॉ के लिए मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे तैयार भी होना है, तो इस वजह से मैं खाना थोड़ा जल्दी बनाऊँगी ताकि उनके कैसरोल के अंदर मैं चपाती वगैरह रख के चली जाऊँ तो वो आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग खाना खा लेंगी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैंने ना खाना वगैरह बना दिया था, उसके बाद में मैंने बेस मेकअप अपना कर लिया है, सिर्फ अब मुझे लिपस्टिक लगानी है और ड्रेस वगैरह ज्वेलरी वगैरह पहननी है, तो फिर मैं अभी आपको वो सारा पहन करके मिलूँगी। अभी जाने में लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा है, तो अभी पहले दक्ष को भी रेडी करना है, तो उसके शर्ट पे मुझे प्रेस करनी है तो वो भी करूँगी। मेरी मदर इन लॉ को मैंने खाना बना करके रख दिया है, एंड मेकअप तो मैंने कर लिया है, तो अभी मैं बैठ गई हूँ थोड़ी सी देर, उनका बैठ जाते हैं फिर उसके बाद में अपन ड्रेस वगैरह पहनेंगे। सो गाइज, आप सभी के हर प्लेटफॉर्म पे मेरे बर्थडे के दिन बहुत सारी विशेज आ रही, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से दिल से खुशी है, आप सभी ने इतना सारा प्यार और आशीर्वाद दिया मुझे मेरे बर्थडे के दिन, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, एंड आप सभी का ऐसा सपोर्ट, ऐसा प्यार मुझ पर हमेशा बना रहे, बस यही मैं आप सभी के लिए बोलना चाहूँगी कि आप मेरे ऊपर सपोर्ट बनाए रखिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर देना। और अभी तो फिलहाल ना मुझे दक्ष के शर्ट पे प्रेस करनी है एंड उसको तैयार करना है, साथ में अब मैं भी है ना अपनी ड्रेस वगैरह निकालूंगी, ज्वेलरी निकालूंगी भी, आपको सारा दिखाऊंगी, एंड बस फिर मैं वियर होने के बाद में आपको पूरा रेडी होकर के दिखाऊंगी, और बाकी पूरा ब्लॉग अब आप एंजॉय करना गाइस। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, और आप बताना मेरा ये लुक आपको कैसा लग रहा है, फुल लुक, एंड ये वाली पोशाक मैंने बहुत सी बार पहनी भी है, आप लोगों ने देखी होगी इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर देखी होगी, बट हाँ यूट्यूब पे आपने पहली बार ही देखनी चाहिए, तो ये इस तरह से मैंने सिंपल सोबर सा लुक लिया है, और गर्मी है इसलिए मैंने बालों को अच्छे से टाइप मतलब बांध लिया है, एंड ये है मेरा फुल लुक, और चलते हैं जहाँ पे बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाएगा वहाँ पे चलते हैं। चलिए गाइस, सो गाइज अभी बस केक लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो रास्ते से केक लेके और फिर जाएंगे डेस्टिनेशन पे, तो बने रहिए आप ब्लॉग के साथ में, एंड ब्लॉग अभी तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, एंड यशवी कुमारी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। गाइज केएसटी पे आप देख सकते कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है शाम को, और इस टाइम पे तो हम मतलब कभी नहीं आए यहाँ पे, इसलिए पता भी नहीं है कि इतनी भीड़ रहती है यहाँ शाम को। मैं तो कभी आई नहीं है ना। So guys, बहुत ज़्यादा मतलब रश है यहाँ पे, मैं भी पहली बार आई हूँ, आई थिंक पहली बार ही है ना अपन यहाँ पे, तो अभी हमारी बोट आ गई है, अब उसमें बैठेंगे एंड फिर आप देखना पूरा ब्लॉग कैसा लगता है आपको, एंड मेरा जो फुल लुक है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, पोशाक पहनी है। तो फाइनली गाइज हम आ गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी ये डेस्टिनेशन है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, पानी के बीचों बीच पानी के पास में, और कितना सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे, वीडियो भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ना कुछ बोल इसलिए नहीं रही हूँ लाइव में, क्योंकि बाहर म्यूज़िक चल रहा था बोट के अंदर, तो फिर कॉपीराइट आता, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर ही करके आप सभी को बता देती हूँ। तो ये है मेरी फ्रेंड उर्वशी, एंड यहाँ पे ना हम लोग क्या है थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे कि भाई थोड़ा सा स्लो मोशन में अच्छे से वीडियो बना लूँ, मतलब सब जगह डालना होता है स्टोरी पे रील्स पे, तो इस वजह से वीडियोस वगैरह पहले बना लें ना, तो फिर बाद में हमें ये नहीं रहता है कि हमने ये वीडियो नहीं बनाई ये वीडियो नहीं बनाई। तो अब बस मेरी बोट के अंदर एंट्री हो रही है, तो वो भी सारा रिकॉर्ड हो रहा है गाइस, देख सकते हैं आप पीछे से भी एंड आगे से भी सब रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अभी मैं बहुत सारा एंजॉय करने वाली हूँ, एंड आई होप आपको भी ये अच्छा लगेगा।
एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है मेरा। अभी तक मैं इस बोट में बैठी हूँ एंड सीरियसली लग ही नहीं रहा है कि हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं है, क्योंकि पूरी एयर कंडीशन वाली है, मतलब इसके अंदर पूरी में एसी है, तो आपको कोई गर्मी का एहसास नहीं होगा, आपको लगेगा कि हम किसी रेस्टोरेंट में ही बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है और सच में ऐसा वाला बर्थडे सेलिब्रेशन मेरा पहली बार हो रहा है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, आप आगे आगे पूरा ब्लॉग देखिए एंड अगर आप भी आना चाहते हैं, ऐसा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं कोटा के KST में। आप, मैं इनके कॉन्टेक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड इंस्टाग्राम पर भी मैं स्टोरी लगाऊंगी, तो आप वहाँ जाकर के इनको भी फॉलो कर लीजिएगा एंड इनको कॉन्टेक्ट करके आप भी इस तरह का बेस्ट सेलिब्रेशन एंड बिल्कुल यूनिक सेलिब्रेशन आप अपना कर सकते हैं। जैसा पहले देखते थे वैसे ही लगते हो। आराम से चढ़ना है ना, पेड़ पे चढ़ जाते हो ना, ये तो तैर लेती है, डूब भी जाए। मैंने तो दो बार चंबल पार कर ली, आप भी कर सकते थे ऐसी बात, मेरे भी दर्द तो मेरे बराबर से आता तो तुम्हें कहता वो आ सके पता। मैं खाए मोड़ी अच्छा लगे पेड़ नहीं हुआ तो फिर तूने कुछ पहना है? अपन दोनों ने कलर तो मतलब एक ही परिवार का पहना हुआ, भाई बहन वाले सीन में है ना। मुझे मेरी शादी में ही मिले थे, उसके बाद में आज 13 साल के बाद में मुझे मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मेरे मामोसा के लड़के ही है और ये लंदन से आए हैं फिलहाल कुछ दिनों के लिए ही है, तो आज बहुत अच्छा मौका था मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मेरे से मिलने आए हैं। थैंक यू सच अ वंडरफुल यू आर लुकिंग गॉर्जियस, व्हाट अ नाइस ड्रेस, नाउ वी आर गोइंग टू गेट इन राजस्थान आफ्टर लुकिंग फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सो प्रीटी। और एक हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों से तारों सा तेरा गहना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। उसके बाद में मेरी सिस्टर भी आ गई थी एंड अभी सब आने वाले हैं, बस थोड़ी देर में जीजा वगैरह भी आ जाएंगे, उसके बाद में हमारा जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। गाइस केक वगैरह कटेगा, उसके बाद में हम थोड़ा सा बोट में बैठ करके घूमेंगे भी एंड आगे आके आप व्लॉग देखिए। पंखा आप कैसे करेंगे?
एसी ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो भैया, ऐसे कट कर लेना, मैं कट कर देती हूं, कर दो भैया इसको भी कट कर। ए दक्ष बाबू हाउ इज द केक? तू तो चले दादी का लाइन ले जाओ सर भैया, तो पाते ही यम्मी यम्मी दिख, तो यम्मी है। हां दादा फिर के एक बार आप करके चले आने कौन कर रहा है। के बाद ना गाइस हमने पूरी बोट को ओपन करवा दिया था, एंड आप देख सकते हैं ये जो नज़ारा है ना, ये तो आपको बोट में बैठने के बाद ही मिल पाएगा। इनके कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगी, स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करके और आप भी अपना किसी भी सेलिब्रेशन को यहाँ पर आकर के अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई भी आपको इंगेजमेंट फंक्शन हो, छोटा मोटा गेट टुगेदर करना हो, किटी पार्टी करनी हो, तो आप ईज़िली यहाँ पे आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। सो गाइस देखो ऐसे एडवेंचर वाली बर्थडे मनाते हैं ना, तो कभी कभार हो जाता है कि बोट में कुछ कचरा आ जाता है। तो अभी हम लोग आए हैं जग मंदिर में, ये आप देख सकते हैं मस्त सा मंदिर है ये, एंड सभी सवारी उतर रही है। फिर मैंने यहाँ पर आकर के बहुत सारी अपनी जो शूटिंग करवाई, बहुत सारे वीडियो शूट करवाए, और अब आप इनको इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। हाँ मैं तो यहीं बैठा हूँ जी। गाइस हमारी बोट क्या है उसमें कचरा आ गया थोड़ा, उसका प्रोपेलर जाम हो गया, तो अभी तो फिर हम जग मंदिर पे यहाँ आ गए हैं और अटक गए हैं। 10 मिनट्स तो लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, वो कह रहे हैं कि बोट को प्रोपेलर से कचरा निकालने के लिए। तो अब देखते हैं गाइस, मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो आगे का आपको सब हमारी बोट बिल्कुल ओके हो गई थी, और फिर हम लोग अंदर आ गए थे एंड अच्छे से एसी चलवाया, और हमने मज़े से खाना खाया सबने और खूब एंजॉय किया, खूब सारी बातें करी। बस यही तो होता है ना लाइफ में कि हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भी अच्छे से सेलिब्रेट कर लें, सब लोग मिलजुल करके काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको थोड़ा सा बाहर से भी दिखा देती हूँ, ऑलमोस्ट प्रोग्राम फिनिश हो गया है। और ये हमारे 7 वंडर्स के आर्टिकल्स आप देख सकते हैं गाइस। सो गाइस हमारा आज का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका है, एंड थोड़ा सा ना लेट हो गए हम लोग, इस वजह से फिर अब लाउड स्पीकर नहीं चलाना चाहिए इतना लेट हो गए, तो इसलिए हमारा डांस का प्रोग्राम रह गया। बट ओवरऑल बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा जैसा आपने वीडियो में देखा, एंड आज के इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, एंड यशवी कुमारी व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस।